जैसे गहरी भाव तो अपना होता नहीं है भक्ति दिखने में आसान है लेकिन भक्ति बहुत मुश्किल है कि टोटली लॉजिक के बाहर जाना है टोटली लॉजिक के बाहर जाना है, टोटली वास्तवता को नजरअंदाज करना है, जो यथार्थ है उसको देखना ही नहीं केवल अंदर के जो भाव उसको देखना है और बहुत मुश्किल मामला है बहुत मुश्किल मामला है इसलिए मेरा के भजन हम लोग आ सकते हैं लेकिन मेरा के भाव में जाना बहुत मुश्किल है मेरा, मेरा के श्री कृष्ण कोई पुराण का पन्ना नहीं था वो श्री कृष्ण के साथ ही जीती थी अब ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए सवाल है कि क्या उस समय श्री कृष्ण थे क्या और तुम्हारी और मेरी भाषा में नहीं वहां श्री कृष्ण लेकिन मीरा को पूछो तो, तो आराम से कहती मैंने गिरधर को मोल ले लिया उसने ले लिया वही आचार्य मानतों की बात है आचार्य मानतों का भक्त और हम दोहरा सकते हैं लेकिन आचार्य मानतों के और हमारे भक्तमान में अंतर कितना है मूलभूत अंतर इतना हम सोचते हैं कि भगवान ऋषभ देव मोक्ष में हम सोचते हैं हमारी धारणा है हमारी फीलिंग है कि भगवान ऋषभ देव चौथे आर्यश वो है नहीं और अब वक्तामर का यदि आप देखोगे व्याकरण ग्रामर भी देखोगे सर ग्रामर भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आचार्य मानतुंग जब भक्ति तो में डूबते हैं तो उनके लिए भगवान उस समय ऋषिदेव है वो भूतकाल का एक भी क्रियापद प्रयोग नहीं करते हैं वो पास्ट टेंस में बात ही नहीं करते सारी बात प्रेजेंट टेंस में और ये प्रेजेंट टेंस में ही भक्ति हो पाती है इसलिए भक्तामर का मैंने विवेचन करते समय इस बात को बहुत अविस्तार से कहा था कि ये भाव सत्य है ये वस्तु सत्य नहीं है ये द्रव्य सत्य नहीं है ये तत्व का सत्य नहीं है ये गणित का सत्य नहीं है तो ये भाव का सत्य है और भाव का सत्य में शत प्रतिशत पहुंचना है इसको भक्ति कहते हैं पर हम तो को अधूरे हम शत प्रतिशत कहीं पर हो ही नहीं पाते और शत प्रतिशत नहीं होने के कारण से मीरा के भजन लता मंगेशकर मीरा से अच्छे गा सकती है गाती भी है लेकिन मीरा के भाव कहां से लाएगी तो ये भक्ति का सवाल है ये भाव सत्य है। और उस भाव सत्य तक अपन नहीं पहुंच पा रहे इसलिए अपने को ये द्रव्य सत्य के प्रयोग करना है यदि हम कोई भाव सत्य तक पहुंच जाए तो फिर तो कोई विषय ही नहीं रहा है फिर तो विषय समाप्त हो गया हम उस भाव में जी नहीं पाते हैं। उस भाव पर जाने के रास्ते के लिए अपने पांच द्रव्य पंची को उड़ना हो किसी मंजिल के शिखर पर पहुंचना हो तो उसको सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं है लेकिन तुम्हें और मुझे यदि किसी शिखर पर पहुंचना हो तोड़ करके नहीं जा सकोगे उसके लिए सीढ़ियां लगेगी पंक्तियां लगेगी, द्रव्य लिखा की सीढ़िया तो वैसे ही बात चल रही थी क्या आप भोजन कर रहे हो आप आहार कर रहे हो आप पानी पी रहे हो आप दवा ले रहे हो जो भी आप ग्रहण कर रहे हो अब उस ग्रहण करने वाले की की बात है ध्यान में रखना कंफ्यूज मत करना वर्ण गंध के है। और जो पदार्थ तुम ग्रहण कर रहे हो वो वर्ण गंध रसपर्शमय है उसमें भी वर्ण है उसमें भी गंध है उसमें भी रस है उसमें स्पर्श है और उस वर्ण गंध स्पर्श को जो दिख रहा है और उसके पीछे जो नहीं दिखने वाला वर्ण गंधर स्पर्श है चेंजेस कहां लाने क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि द्रव्य जो वर्ण गंधर स्पर्श गए हैं, इंद्रिय गम्य नहीं गए इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होते हैं, लेकिन इंद्रिय के द्वारा जाने नहीं जा सकते दो शब्दों को ध्यान में रखिए हम किसी को ग्रहण करते लेकिन जानते नहीं जैसे आप श्वास ग्रहण कर रहे हो आप श्वास को जानते हैं और श्वास को जानते भी हो थोड़ा देर लगा करके तो आपको पता चल रहा है कि श्वास में कौन सा वर्ण कौन सा गंध कौन सा रस कौन सा स्पर्श जा रहा है और स्वर विज्ञान में इसको गाया है चंद्र स्वर और सूर्य स्वर की बात नहीं वहां पर वहां पर यह भी गाया है कि हर स्वर में पांच तत्व तक तो चलते हैं कभी पृथ्वी तत्व तो चलता है कभी जल तत्व तो चलता है कभी अग्नि तत्व तो चलता है कभी वायु तत्व तो चलता है कभी आकाश तत्व चलता है और उसके उन्होंने बताया कि उस समय उस स्वर का उस श्वास का वर्ण गंधर स्पर्श चेंज हो जाता है उसकी गति चेंज हो जाती है उसकी आकृति चेंज हो जाती है उसके वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं हम उसको ग्रहण कर रहे हैं लेकिन हम उसको जानते नहीं वैसे ही पुद्गल के भी वैसे ही जो भी हम ग्रहण करते हैं उसका हम बहुत कम जानते हैं उसका जो अदृश्य स्वरूप है इंद्रिया वो 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 स्वरूप और वो वर्ण गंध रस को यदि प्रयोग है तो उसके लिए आपके पास जो रसोई घर के और रसोई घर को मंदिर बनाए आपके लिए एक ही काम करना पड़ेगा आपको कि आपको अरहम विज्ञा सेंटर से वो कार्ड मंगाने पड़ेंगे कि उस कार्ड स्वस्थिक और सेवा का अरहम का कार्ड है एक प्रतीक चित्र है और वो कलर के साथ और उसमें विधि केवल इतनी है कि जो भी आप ग्रहण कर रहे हो वो ग्रहण करने के पहले उस कांड से उसको चार्ज करो पांच कलर से चार्ज करो कि जैसे इस कांड के बिंदु की तरफ आप देखोगे और कांड के बिंदु की तरफ देख करके जो भोजन जो पानी आप ले रहे हो उसकी तरफ देखना है प्रैक्टिकल और डिटेल में आपको करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। पानी लिए आए और पानी लेने के बाद आपने आराम का कार्ड लिया स्वस्थि का कार्ड लिया और स्वस्थि के चित्र की तरफ आपने देखा एक दस सेकंड देखा और दस सेकंड देखने के बाद आपने यदि पानी की तरफ देखा तो आपको पानी में वो आकृति और वो कलर नजर आएगा वो आपको ही नजर आएगा यदि उस समय उस पाने की तरफ दूसरा व्यक्ति देख रहा होगा तो उसको वो कलर चेंज नहीं है उसको नजर नहीं आएगी तो ये जब कलर वहां जाएंगे ये जब आकृति वहां जाएगी तो जिस पाने की तरफ आप देख रहे उस पाने की सारे जो आकृति बन रहे उसकी जो संरचना है, वो चेंज हो जाएगी और वो संरचना चेंज हो जाएगी उसके अंदर के कलर चेंज हो जाएंगे आपस याद रखना है गड़बड़ मत करना आप लाल रंग से देखोगे तो पानी को लाल रंग का होने वाला लगेगा लेकिन उसके अंदर में उस लाल कलर के लाल, लाल रंग के प्रकाश के ऊर्जा गई है स्वस्ते की ऊर्जा गई है श्रीवास्तव की ऊर्जा गई है और वो ऊर्जा अंदर में परिवर्तन लाएगी इतना ही काम करता है आपके साथ तो मैंने एलेशिया के व्याख्यान कराए हैं लेकिन अरम गर्भ संस्कार में अष्टमंगल में पुरुषाकार में पेरेंटिंग में इनके प्रयोग करते हैं कि बच्चे की तरफ आपने केवल स्वस्थिक के आकार से देखना है और जैसे उस आकार को आपस पर देखते हैं बिना सोचे देखते हैं तो उस सुरजा उसके अंदर जाती है और चेंज हो जाती है आज ही एक बहन ने अपना फीडबैक लिखा है कि जो प्रयोग उसको दिए थे उसने उसके बच्चे पर करे और उसने लिखा है कि बच्चा पढ़ता नहीं था बच्चा सुनता नहीं था लेकिन जैसे मैंने प्रयोग करने शुरू करे तीन दिन बीते और बच्चा पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा मन लगा करके पढ़ाई कर रहा इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहा है तो शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए बुखार उतारना हो तो क्रोसिन देनी चाहिए या क्रोसिन का जाप करना चाहिए क्रोसिन का पिक्चर देना चाहिए या क्रोसिन के कंटेंट देने चाहिए तो यही प्रयोग है आप जो भोजन बनाते हैं आप जो रसोई बनाते हो उस रसोई को बनाते समय आप कौन सी नजर से तरफ देख रहे हो आओ रसोई घर को मंदिर बनाओ में तो बहुत विस्तार से मैं कहता हूं यदि रसोई घर सुधर जाए तो पूरा घर सुधर जाए कि जैसा खावे अन्न वैसा हो मनुष्य उस अन्न की ऊर्जा चेंज करनी उस अन्न की चेंज करनी उस अन्न की ऊर्जा और लेशा चेंज हो गई कि जैसा खावे अन्न वैसा हो मनुष्य का मतलब ये नहीं कि मीठा खाने से मन मीठा होता है उसका मतलब इतना ही कि जिस लेशा का आहार वो करेगा उसके साथ जो लेषा जाएगी वैसी लेसा उसके मन की हो जाएगी कि जैसा खावे अन्न वैसा हो मन कहा जैसा खावे अन्न वैसा तन हो बात नहीं हो आज का मेडिकल साइंस आपको ये कहता है कि जैसा अन्न आप खाओगे वैसा आपका तन बनेगा लेकिन हमारे अध्यात्म के ऋषि तन की बात नहीं करते वो कहते हैं जैसा तुम अन्न खाओगे वैसा तुम्हारा मन हो जाएगा और ये जो मन बनने की बात है मन बनेगा तो ये ये जो इंद्रिया द्रव्य है उससे बनेगा उस वर्ण गंध स्पर्श से वो लेशा बनेगी उस वर्ण गंध रस स्पर्श का यदि आपको अनुभव करना है तो उनके लिए प्रयोग है और वह प्रेम से करिए इस प्रयोग के लिए तो विद्या में हम कहते हैं तुम्हारी आस्था की भी आवश्यकता नहीं बिना आस्था के भी करोगे तो बेगू हो जाएगा सारे अरम विद्या के जो प्रयोग है इसी शर्त पर चलते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा हो या न हो आप इस इसलेशा को ग्रहण करो आप में चेंजेस आ जाएंगे और प्रसंग वही बार बार देते हैं बार बार वही प्रसंग देता हूं भगवान महावीर जहरीले सांप जिसका नाम चंडकोशिक है जहरीला सांप है सर पे उसके आंखों से जहर निकलता है उसके पास पहुंचे और उसको चेंज किया अब हा सवाल पूछिए कि चंडकोशिक की श्रद्धा थोड़ी भगवान महावीर पर बिना श्रद्धा के उसमें चेंजेस आए चेंजेस आने के बाद श्रद्धा हुई है इसलिए बहुत सारी धर्म परंपराएं कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा होगी तो तुमको कृपा का अनुभव आएगा लेकिन भगवान महावीर कहते हैं बिना श्रद्धा के भी कृपा का अनुभव किया जा सकता है और वो किसके आधार पर थे लेशा आधार पर। लेशा के जो प्रयोग है वो मेरे कल से आज की भाषा में यदि के ना हो तो मेरे कल से और वो मेरे कल के लिए ये सारी चर्चा आपके साथ कल के दिन हो नहीं है इसलिए आज थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं स्पीड बढ़ा दी आज क्योंकि आज मैं आपको कुछ प्रयोग दे रहा हूं और उसको अपने करना है जैसे आपको मैंने आसमान का प्रयोग दिया था और किसी बंधु ने पूछा था कि आपने दिन में आसमान देखने का प्रयोग दिया है रात को क्या कर सकते हैं रात को भी कर सकते हो आराम से कर सकते हो किसी तारे को देखा है किसी स्टार को देखा है और स्टार को श्वास अंदर लेते हुए आग बंद करते चले गए तो जिस भी स्टार को आप देख रहे हैं उसकी जो द्रव्य निश्चा है उसको आप ग्रहण कर रहे हैं और वो जब ग्रहण होगी तो उसका परिणाम अंदर में शुरू हो जाएगा अब आपको कौन से स्टार को देखना कौन से इसको देखना किसको ग्रहण करना है, वो आपका विषय आज मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रयोग देने जा रहा हूं आपको आप गार्डन में जाते हो आप घूमने के लिए जाते हो आप पेड़ को देखते हो आप फूल को देखते हो आप उस फूल की रेशा को ग्रहण कर उसके गंध को ग्रहण कर और उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया आज है किस फूल के तरफ एक दस जैसी बिल्कुल प्रेम से आस्था से देखते चले जाए भावपुरु देखना हो तो प्रेम से देखोगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा कि फूल कोई भगवान नहीं है कि जो तुम्हें बिना श्रद्धा का परिणाम दे दे और तुम्हारे भाव जोड़ने पड़ेंगे आपको थोड़े से और नहीं भी जोड़ोगे तो भी आसर होगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा किसी कमल के फूल के तरफ किसी झेंडू के फूल के तरफ किसी रोज फ्लावर के तरफ देखिए और देख करके अंदर श्वास लेते हुए आंख बंद करिए आंख बंद करने के बाद आपको बंद आंख से भी आपको फूल फ्लावर नजर आएगा और जब तक वो नजर आता है तब तो तक तो उसको देखते चले जाइए इसको विजय ने तंत्रोत्तर में प्रयोग यह है अलग तरीके से वहां कि सूर्य आकृष्टि विद्या चंद्र आकृष्टि विद्या है के 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 उसके प्रयोग है, ये आकर्षण के प्रयोग है उसके ग्रहण करने की प्रक्रिया है और इसलिए यदि आपको बाहर कहीं प्रयोग नहीं करना हो और स्वयं के साथ प्रयोग करना वापस कह रहा बार बार उस बात को क्लियर करता जा रहा हूं कि द्रव्य लेशा को ग्रहण कर रहे हैं अपने अंदर की भावलेशा को चेंज करने के लिए जैसे दवा को ग्रहण करते हैं अंदर के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वैसे ही दूसरे की बीमारी ठीक करने के लिए दवा देनी है और कौन सी दवा देनी है वो देखना है फिर एक बार एग्जाम्पल लीजिए इंद्रभुति गौतम परमात्मा के पास आने के पहले उनके पास अहंकार है और गौशाले के पास गुस्सा है क्रोध है अब क्रोध के लिए क्षमा का प्रयोग है और अहंकार के लिए वह क्षमा का प्रयोग नहीं कर सकते आप यदि सामने अहंकार है तो वहां प्रयोग करना पड़ेगा वहां आपको नम्रता का प्रयोग करना पड़ेगा वाक्षमा क्षमा की द्रव्य रेशा देकर काम नहीं चलेगा वहां तो नम्रता की द्रव्य नशा देनी पड़ेगी और इसलिए जैसे इंद्रभूति गौतम परमात्मा के पास पहुंचते हैं झगड़ने के भाव से विरोध करने के लिए लड़ने के भाव से आए और भगवान महावीर सागयम इंद्रभु गोय कहते हैं